हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखी गंगूबाई कैथवाड़ी के ट्रेलर, जो 3 मिनट 16 सेकंड में उन्होंने रिलीज किया है। बात करें इस ट्रेलर की तो स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी आप डायलॉग सुनेंगे और शुरू से लेके आखिर तक जो जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो कान को लग रहे हैं, मतलब हिट कर रहे हैं। कहीं पर ग्लैमर्स दिखने को मिल रहा है, कहीं पर पंच फूट रहे हैं, मतलब कि क्या एक्सेंट पकड़ा है मैम ने और क्या उन्होंने जिस वे पे बोला है, जो डायलॉग्स बोला है जिस वे पे, वो काफी बेहतरीन लग रहा है। पर कहीं ना कहीं मतलब एक दो सीन्स हैं जहां पर ना उनकी जो एक्सेंट है और जो डायलॉग्स है वो मिसमैच से लगती है, मगर वो चल जाएगा क्योंकि वो ट्रेलर पे मतलब इतने सारे जो सीन्स अगल बगल पे जो चल रहे थे और जो बैक में बीजीएम चल रहा है वो बेहतरीन काबिले तारीफ लग रहा है। उसके बाद करें सेकेंड, जो उनके अपोजिट नजर आने वाली है वो है विजय राज जी का कैरेक्टर। वो कैरेक्टर मतलब वो जब मैंने उसे देखा ना, मतलब कि मेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब हुआ क्या ये ट्रेलर, उन्होंने क्या काम किया यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था विजय राज जी ने इतनी अच्छी एक्टिंग करके दिखाई। मतलब ट्रेलर के बाद में मुझे आलिया मैम, अजय देवगन के से पहले जो उनको मतलब कैरेक्टर को देख के मुझे जो लगा कि इन दोनों से ज्यादा वो प्रभावित करते हैं, इतनी एक्टिंग उनकी दमदार लग रही है। अगर उसके बाद बात करें अजय देवगन सर के, तो इस फिल्म में वो कैमियो रोल पर मतलब नजर आने वाले हैं, पर उसे इसलिए ट्रेलर पर दिखाया गया कि इसके बदौलत कम से कम उनका भी जो ऑडियंस है वो भी पुल करके थिएटर्स पे जाए। बाद अगर बात करें सेट्स की, तो सेट्स की जो डिजाइनिंग की गई है संजय लीला भंसाली सर से, नो डाउट मतलब ब्रिलियंट, काफी अच्छा मास लेवल पे वो नजर आ रहा है। तो ट्रेलर तो काफी अच्छी निकल के आई है, अब देखते हैं फिल्म कितनी अच्छी निकल के आती है। मगर ट्रेलर से देख के लग रहा है कि फिल्म काफी अच्छी हिट होने वाली है और आलिया मैम का इस जगह से जो स्टार्डम है ना वो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। आप लोगों को ये कैसा लगा ट्रेलर और ये मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों मेरे चैनल पर। बाय बाय।